तो सभी को नमस्कार, मेरा नाम है मोनू झा। आप देख रहे हैं मोनू के ब्लॉग्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम आए हैं बैरागढ़ धाम। तो आपको वीडियो के ज़रिए ये पूरा मंदिर देखने को मिलेगा, और आप लोग इस वीडियो में बने रहें, और यहाँ के जो महंत हैं हम उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। फिर आप लोग इस वीडियो में बने रहें, और यहाँ के महंत के ज़रिए हम आपको पूरा वीडियो दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं बैरागढ़ धाम के फर्स्ट गेट पर। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये है बैरागढ़ धाम का फर्स्ट गेट, और इसके बाद है मंदिर अंदर। तो चलिए हम आपको सीधे महाराज जी से और यहाँ के मंदिर की पूरी परिक्रमा और पूरा मंदिर दिखाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, अभी हम मंदिर के पास में आ चुके हैं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं मंदिर के अंदर, और अभी हम गेट के अंदर आ चुके हैं, और वीडियो के ज़रिए हम आपको दर्शन करवाएंगे पूरे मंदिर के, और यहाँ पे जो देवी माता हैं उनके भी दर्शन करवाएँगे। तो हम अभी गेट के अंदर आ चुके हैं, और देख लीजिए कुछ इस तरीके का नज़ारा है। और आज हम आए हैं, आज दिन मंगलवार है और बारिश भी हो रही है, तो इस टाइम पे क्या है, भीड़ बहुत कम रहती है। और जब यहाँ पे भीड़ रहती है, नवरात्रि में ज़्यादा भीड़ रहती है, और आप किसी भी नवरात्रि में आएंगे तो यहाँ पे भीड़ बहुत देखने को मिलेगी। तो ये अभी आपको दुकानें जो दिख रही हैं, वो दुकानें कुछ इस तरीके की लगी हुई हैं। और इधर आप देख पा रहे होंगे, ये है मंदिर, और मंदिर के पास में हम चलेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। महाराज जी हैं जो, उनसे भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, और पूरी जानकारी महाराज से ही और महाराज के मुख से ही हम आपको दिलाते हैं। तो हम अभी मंदिर के पास में बिल्कुल आ चुके हैं। अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो आने के लिए बहुत ही सिंपल एड्रेस है, आप उत्तर प्रदेश के ज़िला जालौन में आ जाइए, फिर ज़िला जालौन से आप आइए कोंच में, और कोंच के पास में ये मंदिर है, लगभग 12 किलोमीटर दूर है। और अगर आप 8 आ जाते हैं तो 8 से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं, और मंदिर आप देख सकते हो, ये मंदिर है और ये मंदिर है। और चलिए हम मंदिर के अंदर चलते हैं, आइए। मंदिर का ये दूसरा गेट है, और मंदिर के हम आपको दर्शन करवाएंगे, यहाँ पे जो महाराज जी रहते हैं उनके भी दर्शन करवाएंगे, और आप लोग वीडियो में बने रहें। ये मंदिर का परिसर है कुछ इस तरीके का, इधर आप देख सकते हो काफ़ी ग्राउंड है और काफ़ी जगह है, कितनी अच्छी हरियाली है, पेड़ पौधे हैं। और यहाँ पर एक कुंड भी है, जिसकी मान्यता क्या है वो आगे चल के हम महाराज जी से बात करवाएँगे, और महाराज जी से पूरी जानकारी लेंगे। तो महाराज जी अभी अंदर हैं, फिर चलिए हम यहाँ के जो मुख्य महंत हैं उनसे हम आपकी बात करवाते हैं, और उनका परिचय लेके हम आपको पूरी डिटेल देते हैं। तो महाराज जी सीताराम, आप अपना। जय भाई जी, हमारा जो है रामशरण द्विवेदी नाम है। अच्छा अच्छा। और बैरागढ़ धाम के गुरु पद पे। अच्छा अच्छा। हाँ गुरु जी हैं। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी, जैसे कि हर मंदिर की एक कोई ना कोई कहानी और उससे रिलेटेड जो जानकारी होती है, तो उसके लिए हम आए हैं, और मंदिर हमने देखा है, अभी घूमा है, काफ़ी अच्छा और काफ़ी भव्य मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ की क्या मान्यता और क्या यहाँ की खासियत है? यहाँ सुवेदा ऋषि ने तपस्या की है। अच्छा। जो अपने पूर्वज रहे हैं सुवेदा ऋषि, उन्होंने तपस्या की है, और उन्हीं की तपस्या को स्वीकार करके माता शारदा यहाँ प्रकट हुई हैं। जो पीछे कुंड बना है, इसी कुंड से माता शारदा प्रकट हुई हैं। आज जो मंदिर में मूर्ति है माई की, ये ना तो लाई भई है ना बनाई भई है, ये स्वयं प्रकट हुई हैं जो आज मंदिर में विराजमान है, तो सुवेदा ऋषि की तपस्या को स्वीकार करके। अच्छा अच्छा। तो ये मतलब जैसे ये कुंड के बारे में सुना गया है कि यहाँ पे कुछ ऐसा चमत्कार है, जैसे कि आपको कोई मतलब परेशानी है या फिर काफ़ी जो चर्म रोग होते हैं, तो लोगों बताते हैं यहाँ पे उनका मतलब आराम मिलता है वहाँ में, मतलब उस कुंड में नहाने से, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहिए? इसमें जो जल है, तो माई की जो सुबह प्रातःकालीन स्नान जो माई के होते, अच्छा, तो वो संपूर्ण जल इसी कुंड में जाता है। अच्छा। जो कुंड में जल है, ये माई के स्नान का जल है, और इसमें रविवार बुधवार को लोग आकर के स्नान बनाते, और कैसा भी चरम रोग हो, खाज हो, खुजली हो, या और भी कोई चरम रोग हो, तो इसमें स्नान बनाने से ठीक होते, आराम मिलता है। अच्छा, अच्छा। तो
ये जो मतलब ये कुंड की जानकारी है और इसके जो मतलब लाभ हैं इनकी जानकारी आप लोगों को कब पता चली और इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी? नहीं, ये तो अनादि काल से है। अच्छा। ये कुंड बहुत पुराना बना है। अच्छा। इसका जीर्णोद्धार पहले पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। अच्छा। इसका दूसरा जीर्णोद्धार जालौन वाले नाना साहब ने करवाया। अच्छा। तीसरा जो जीर्णोद्धार है वो अपने पूर्वज भवानी शंकर जी महाराज ने करवाया था। अच्छा। इसके बाद ये चौथा जीर्णोद्धार बाबूराम एमकॉम जो अपने मंत्री रहे अपने उरई में। अच्छा। उन्होंने करवाया। इसके बाद 2018 में माता शारदा ने ये सेम करवाया है जीर्णोद्धार। अच्छा। और महाराज जी यहाँ पे सुना गया है और काफ़ी लोग बताते हैं तो यहाँ पे एक सांग की चर्चा काफ़ी होती है, यहाँ पे एक सांग बताई गई है तो वो किस टाइम की है और उस यहाँ का मतलब सांग के बारे में क्या आपको जानकारी है? ये सांग यहाँ पृथ्वीराज चौहान और राजा परमाल का युद्ध हुआ है जैतखम्भ का। अच्छा। तो उस युद्ध में जैतखम्भ के रूप में सांग को गाड़ा गया। अच्छा। उदल ने सांग को गाड़ा है कि जो इसको उखाड़ेगा वो जीतेगा। अच्छा। जब इसको कोई उखाड़ नहीं पाया तब आला ने इसकी नोक टेढ़ी की, वो तो कहा कि जो इसको सीधी कर देगा वो जीत जाएगा। तो कोई इसको सीधी ना कर सका तब यहाँ पे जैतखम्भ की लड़ाई हुई। ये सांग आला उदल के समय की है और पुरानी सांग है, उसी समय की सांग है जो मठ के ऊपर लाल कलर की है, तो वो ही सांग है। तो यहाँ से मतलब ये सब जानकारी लेने के बाद मतलब यहाँ पे जो हर मंदिर की एक कोई ना कोई कहानी होती है तो माता जी यहाँ पे कैसे विराजमान हुई हैं और माता जी का स्थान कब बनाया गया है और किन किन लोगों ने सहयोग किया है, ऐसी कुछ जानकारी आप देना चाहें? ये तो खैर माता शारदा अनादि काल से हैं, सुवेदा ऋषि की तपस्या को स्वीकार करके आई हैं माता शारदा, जमीन को फाड़ के प्रकट हुई हैं। इसके बाद इसका जीर्णोद्धार जो अपने पूर्वज चंडिका प्रसाद जी महाराज रहे हैं उन्होंने लगभग संवत 1100 में कराया है। हाँ, अब उनके जो भी उस समय शिष्यगण रहे हों, भक्तगण रहे हों। इसके बाद दूसरा जीर्णोद्धार मंदिर का ये नाना साहब जालौन वालों ने संवत 1633 के आसपास करवाया है। इसके बाद पुनः अभी जो जीर्णोद्धार माता शारदा की कृपा से हो रहा है। अच्छा महाराज, हमने यहाँ पे एक और भी सुना है मतलब यहाँ पे एक काफ़ी प्राचीन मतलब काफ़ी टाइम पहले का एक चबूतरा है, तो उसकी क्या खास बात है और क्या मान्यता है लोग यहाँ पे बताते हैं तो उसके बारे में कुछ? राजा परमाल की बहू सती हुई है, युद्ध में ब्रह्मा मारे गए तो बेला यहाँ पे सती हुई, वो बेला सती का चबूतरा है वो। अच्छा। और जो भोले बाबा का मंदिर बना है ये सुवेदा ऋषि की समाधि है। सुवेदा ऋषि ने इसी स्थान पर समाधि ली जहाँ पे भोले बाबा का मंदिर बना है, वो उनका समाधि स्थान है। अच्छा। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो महाराज ने हमको दी है और चलिए हम एक बार और महाराज के जरिए चलते हैं और फिर से हम आपको थोड़े मंदिर के दर्शन करवाएंगे। और मंदिर के पीछे साइड में एक तालाब है, जैसे हमने महाराज जी से पूछा है वहाँ पे काफ़ी चर्म रोग ठीक होते हैं और काफ़ी लोग आते हैं भक्त लोग। और अभी जो टाइम है बरसात का टाइम है और दिन मंगलवार है और हम बिल्कुल खाली समय में आने की कोशिश की है हमने, इसलिए क्योंकि भक्त ना हो और टाइम ना हो महाराज जी के पास तो हमें मतलब वीडियो बनाने का मौका मिल जाए, तो इसीलिए हम खाली समय में आए हैं। और चलिए हम आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं और पीछे का जो तालाब है वो महाराज के जरिए हम आपको तालाब भी दिखाते हैं और उसकी विशेषताएं और उसके लाभ हम आपको बताते हैं। माई की जो मूर्ति आज मंदिर में दिखाई दे रही है ये वही मूर्ति है जो जमीन को फाड़ के प्रकट हुई है। अच्छा, ये मूर्ति कहीं से लाई भई या बनाई भई मूर्ति नहीं है।
अच्छा, यही मूर्ति है जो सुबेदा ऋषि की तपस्या को स्वीकार करके माता शारदा प्रकट हुई। अच्छा, तो वही मूर्ति है। अच्छा, चलो पीछे कहीं ठीक। अच्छा, तो अभी हम ले चलते हैं आप लोगों को तालाब की ओर। अच्छा अच्छा, ये अपने जो पूर्वज हुए हैं। अच्छा अच्छा, 1200 में ये भरदाचार्य जी महाराज। अच्छा, वो इस मूर्ति को लाए हैं। अच्छा, और उन्हीं ने इनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी 1200 में। अच्छा अच्छा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो जिस सांग की बात हो रही थी और आला उधल के टाइम की थी, तो महाराज ने वो कहानी आपको बताई है, तो आप लोगों को वो सांग दिखाते हैं। जी महाराज, कहाँ पे वो? ये जो सांग है झंडा के बगल में लाल कलर की। अच्छा, ये वही सांग है, वही पुरानी सांग है। अच्छा, और इसकी जो नोक थोड़ी सी मामूली सी टेढ़ी है। अच्छा, जो आज तक कोई सीधी नहीं कर पाया। अच्छा, वही सांग है, आला उदल के समय की सांग है। अच्छा अच्छा, हाँ, इधर जो आप देख सकते हो ये है कुंड जिसके बारे में महाराज ने बताया है, और हम उस कुंड पे आ चुके हैं, तो देखने को कुछ इस तरीके का कुंड है। तो जी महाराज, इसी कुंड से माता शारदा प्रकट हुई है। अच्छा अच्छा, इसी कुंड से माता शारदा प्रकट हुई, और इसमें जो जल है वो माता जी के स्नान का जल है। अच्छा अच्छा, तो इसमें स्नान बनाने से कैसा भी चरम रोग हो तो ठीक होता। अच्छा, अतः रविवार और बुधवार बहुत लोग बहुत दूर दूर से आती। अच्छा, और स्नान बनाते हैं। अच्छा अच्छा, अतः उनके चरम रोग ठीक भी होते। वही कुंड है कि पुनः जो है जीर्णोद्धार हुआ है कुंड, यद्यपि पुराना है, बहुत पुराना है ये कुंड। अच्छा अच्छा, पुराना कुंड है। अच्छा अच्छा, यहाँ माता शारदा शक्तिपीठ विराजमान है। अच्छा अच्छा, और यहाँ जो भी श्रद्धालु भक्तजन अपनी कामना को लेकर के आते हैं, माता शारदा उनकी समस्त कामनाएं सिद्ध करती हैं, पूर्ण करती हैं। अच्छा अच्छा, जो श्रद्धा भाव प्रेम से जो यहाँ आ रहा है, और जो भी कामना लेकर के आता है, माता शारदा उसकी कामना सिद्ध करती हैं, पूर्ण करती हैं। अच्छा अच्छा, तो हाँ, तो महाराज जी, जैसे कि ये अपना जो मंदिर है, तो जैसे भक्त लोग और हमारे जो व्यूअर लोग हैं, तो उनको मतलब यहाँ पे आना है, तो उनके लिए क्या मतलब कहाँ से कैसे आए, क्या रास्ता है? जो है उरई से अगर आए तो उरई से 8 आए। अच्छा अच्छा, और 8 से कोंच रोड पे चलें तो कोंच रोड पे माता शारदा का ये बहुत बड़ा गेट बना है। अच्छा अच्छा, तो उस गेट से 7 किमी दूरी मंदिर की है, सीधा रोड है। अच्छा अच्छा, कोंच रोड से सीधा रोड बैरागढ़ आया है। अच्छा अच्छा, हाँ, 8 के पास है, 8 से 7 किलोमीटर है। अच्छा अच्छा, और उरई झांसी मार्ग है, उस पर 8 स्थित है। अच्छा अच्छा, और 8 से कोंच रोड, 8 से 1 किलोमीटर कोंच रोड पे चलें तो माई का भव्य जो है बड़ा गेट बना है। अच्छा अच्छा, उस गेट में 7 किलोमीटर अंदर चलें तो बैरागढ़ माता शारदा का भवन है। अच्छा, स्थान है। अच्छा, और महाराज ये जालौन जिला है, तो ये जालौन जिला में जैसे कि ये मंदिर है, और कई लोग जालौन और कोंच होके आते हैं, तो तकरीबन यहाँ से कोंच की कितनी दूरी है? कोंच की यहाँ से 11 किलोमीटर दूरी है। अच्छा, यहाँ से सीधे बिरगुआ अंडा गांव होकर के सीधे कोंच निकल जाए। अगर कोंच से आना है तो अंडा गांव होकर सीधा रोड बैरागढ़ है। अच्छा अच्छा, और जालौन से अगर आए तो जालौन से हरदोई रोड, हरदोई है, हरदोई से सीधा रोड बैरागढ़ आया है। अच्छा, हरदोई से सीधा भी है, और उरई झांसी मार्ग से मैं जो 8 से भी आ सकते हो, और एक सौमई से भी है, सौमई बर्द से भी एक सीधा रोड है। अच्छा 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 अच्छा, तो जैसे कि महाराज हमारे साथ में हैं और महाराज ने काफ़ी यहाँ के बारे में जानकारी दी है, तो हम बस इतना ही कहना चाहते हैं आप लोगों से कि इस मंदिर पे आएं, और यहाँ की मान्यता बहुत अच्छी है, बहुत भव्य मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर, काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे आएं और अपनी मनोकामना लेके आएं तो यहाँ पर पूरी होती है, और काफ़ी सुंदर मंदिर बना हुआ है। ठीक है, काफ़ी मतलब जानकारी देते हुए और महाराज का काफ़ी धन्यवाद करते हैं। जहाँ स्वयं शक्तिपीठ विराजमान हो। अच्छा अच्छा, जहाँ स्वयं जगदम्बा अवतरित हुई हो, वहाँ तो अलग ही विशेषता होती है। यहाँ तो जो श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से, आस्था को लेकर के आया है, कहीं ना कहीं माता शारदा उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण करती हैं। उनसे यही प्रार्थना रहती कि यहाँ आने वाले की जो भी कामना हो माता शारदा उन्हें पूर्ण करें। अच्छा, तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।